वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अहंता आदि ये जगत भासित होता है, वह मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। इसको त्याग कर अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। इस मिथ्या जगत में आस्था करना मूर्खता है। जो ज्ञानवान है उसको जगत का अभाव है। अज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण सुनो। हे राम, जैसे किसी पुरुष को ताप चढ़ता है तो उसका हृदय जलता है और तृष्णा बहुत होती है, पर जिसका ताप नष्ट हो गया है उसका हृदय शीतल होता है और जल की तृष्णा भी नहीं होती। वैसे जिस पुरुष की अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है, उसका हृदय जलता है और भोग रूपी जल की तृष्णा बहुत होती है, पर जिसके हृदय का अज्ञान रूपी ताप मिट गया है उसका हृदय शीतल होता है और भोग रूपी जल की तृष्णा मिट जाती है। अब ताप निवृत्त करने का उपाय सुनो। शास्त्रों के अर्थवाद से तो बुद्धि में भ्रम हो जाता है। मैं तुमसे सुगम उपाय कहता हूँ। निरंकार होना ही वह सुगम उपाय है। न मैं हूँ न यह जगत है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब सब जगत तुमको ब्रह्म स्वरूप देख पड़ेगा और किसी पदार्थ की कामना न रहेगी। जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे तब प्रत्येक चैतन्य परमानंद स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। हे राम, अहंता रूपी यक्ष जो उठा है सो मिथ्या है। उसी मिथ्या यक्ष ने नाना प्रकार के जगत की कल्पना की है। अहंकार मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भासित होते हैं और मनुष्य उनकी इच्छा करता है, जब तक जागता नहीं तब तक जानता है कि ये पदार्थ कभी नष्ट न होंगे और कहता है कि अमुक रूप देखिए और अमुक भोजन कीजिए, पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था। और फिर वे सुंदर पदार्थ स्मरण होते हैं अथवा भाषित होते हैं तो भी इनको मिथ्या जानता है। वैसे ही जब आत्मा के विषय में यह जागता है तब सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरहंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है पर ब्रह्म से जगत भासित होता है। हे राम, जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखता है और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती है तब सब फूल फल और डालें देख पड़ती और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है, वैसे तुम जब आत्मपद में स्थित होगे तब तुमको सब आत्मरूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम,
आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा। पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं, जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग उधर दौड़ते हैं, वैसे जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम, रूप अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल हैं। इनको जो सत्य जानता है वह मूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाग कर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे राम, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजरे में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजरे को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है, वैसे तुम भी वासना रूपी पिंजरे को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो। जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है, जब तुम उस पद को प्राप्त होगे तभी संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होगे, परम उपशम गे पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका हैं। इनसे गे में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। फिर हम दृष्टा भी उपदेश जिताने के निमित्त का है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। ये जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे सब दुख के देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरवर दिखते हैं वैसे जगत न होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है, एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत जानते हैं। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिया संत रहे तन सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। हे राम, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सत पद को प्राप्त हुआ है, इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। हे राम, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं लगता। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे मन में जगत स्थित होता है, और जैसे वृक्ष बीज रूप है वैसे जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो
और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।